पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। छोटे सुबेदार जी, देखिए आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बाबा साहेब और मैं जितनी कोशिश, मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या फर्क पड़ता है उस साहिल, और क्या करें कोशिश करके? तो कुछ गलत नहीं कहा मजली आई साहब ने, ठीक ही तो कह रही। जब कोई खिलौना टूट जाता है या बिगड़ जाता है तो उससे खेला नहीं जाता, वो केवल सजा के। मालेराव, तुम यहां क्या कर रहे हो? मालेराव, हमने पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो, और आप ये शायद यहां गलती से आ भी गया हो। रमजानी, आपने इसे यहां आने की इजाजत दी कैसे? माफ कीजिएगा छोटे सरकार, लेकिन हम भी इन्हें इतनी देर से यही समझा रहे हैं कि ये जगह इनके लायक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं है। जब हमारे बाबा साहब यहाँ आ सकते हैं तो क्यों सही नहीं है? मालेराव, अपने दायरे में रहो और अपनी तुलना हमसे करना बंद करो। क्यों ना करूं तुलना? दादा साहब तो कहते हैं कि बेटा वही करता है जो अपने बाबा साहब को करते हुए देखते हैं। चुप हो जाओ मालेराव और चले जाओ मायने के सामने से, और वैसे भी तुम्हारी शस्त्र विद्या का समय हो रहा है, जाओ यहां से। मालेराव, हमने कहा जाओ यहां से, समझ में नहीं आ रहा है? मैं नहीं जाऊंगा यहां से, हमें नहीं सीखनी कोई शस्त्र विद्या, मुझे यही रुकना है और रमजानी भाई का गाना सुनना है। मालेराव, नहीं छोटे सरकार, मालेराव होलकर खानदान के वंशज हो तुम, मालवा के उत्तराधिकारी हो, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? शस्त्र विद्या सीखने से या शस्त्र उठाने से इनकार नहीं करोगे तुम, ये क्षत्रिय धर्म का अपमान होगा मालेराव। लेकिन आपने भी तो शस्त्र उठाना बंद कर दिया है ना? ये बात तुमसे किसने कही? सभी कह रहे कि आप हार गए। दादा साहब बहुत बहादुर है, शस्त्र विद्या में निपुण है, ना हारते ना कभी हार मानते। आप उन्हें देखकर उनकी तरह बने तो हैं, लेकिन जब बदल गए शस्त्र की जगह गाना सुनने आते हैं, तो मैं क्यों उठाऊं शस्त्र? अब मैं भी वही करूंगा जो आप करेंगे, बस मैंने उठाने वाला है शस्त्र वस्त्र। और फिर आवश्यकता क्या है शस्त्र उठाने की? उसके लिए सेना है, सिपाही है, वो लड़ेंगे, हमें तो बस आराम से बैठकर गाना सुनना है। क्यों, ठीक कहा ना रमजानी भाई? छोटे सरकार, मालेराव अभी बच्चा है, उनकी बुद्धि कच्ची है, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन वो वही सोचेंगे और वही करेंगे जो आपको करता हुआ देखेंगे। ठीक है मालेराव, अब तुम वही करोगे ना जो हम करते हैं? ठीक है बेटा।
युवराज जी आप मत रोइए, आज मैंने बाबा साहब का दिल दुखा दिया। दादा साहब, मैंने बाबा साहब का दिल दुखा दिया। दादा साहब, सरकार की गुप्तचर पूरे वाड़े में उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके कहने पर नीमा जी ने खंडेराव को गुट्टी दी थी, और ऐसे में आप यहां से जाना चाहते हैं? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यहां कितनी अकेली पड़ जाऊंगी, परिस्थितियों में सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं कुछ समझ रहे हैं आप? परिस्थितियों को कैसे संभालूंगी, ये क्या कहकर आप परिस्थितियां और खराब कर देंगी। सासू भाई, आपने हमें एक दिन रुकने के लिए कहा, हम रुक गए, लेकिन अब और नहीं। एक बात बताइए सासू भाई, जिंदगी भर हमारा ससुराल में रहने से परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी? कैसी परिस्थितियां? मुझे भी कोई कुछ बताएगा, बात क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत है सासू भाई, ससुराल में ज्यादा दिन रहने वाले जावई को कुतरे के समान माना जाता है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तुमने अपने बाबा साहब का दिल नहीं दुखाया बेटा, बल्कि उन्हें सही राह पर जाने के लिए प्रेरित किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं। दादा साहब, आपने जो समझाया था मैंने वैसे ही बाबा साहब से कहा है, ठीक कहा ना? मालेराव, क्या हो? मालेराव, तुमने बिल्कुल सही किया। शायद तुम्हारी कोशिश से तुम्हारे बाबा साहेब में जागृति आ जाए, शायद वो संभल जाए। बाबा साहेब ठीक तो जाएंगे ना ऐसे? हो जाएंगे तुम्हारे बाबा साहेब। नीमा जी की क्या खबर? उसकी तलाश जारी है बाबा साहेब, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दुश्मन आसपास ही है। अगर ये दुश्मन हमारे घर में ही हुआ तो? ये तो बहुत अच्छी बात है, दुश्मन जितना अपने करीब होगा उतना अपनी मौत के भी। खुश रहो, सुखी रहो। चलो मालेराव। अजीब सा लग रहा है। मतलब? ऐसा लग रहा है कि खंडेराव के अंदर पहले वाला खंडेराव वापस आ गया है। सीधा वापस अंदर चलते। अरे आपने अभी तो कहा बाहर चलो, और आप ही ने तो अंदर कहा था,
जावाई ज्यादा दिन तक ससुराल में रहे तो कुतरे के समान होता है। हमने कहा था, लेकिन ये तुम्हारा भी तो घर है, मायका है ना? जाओ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।